नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। आज हम बात कर रहे हैं उन मित्रों दोस्तों की जिनके पति पत्नी के बीच में वैमनस्य रहता है, पत्नी आपको समझ नहीं पाती, आपका मन अस्थिर है, आपके दिमाग के अंदर अनेकों विचार आते हैं, बार बार सोचते हैं, शारीरिक शक्ति कम है, मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग है और जीवन के अंदर विनम्र है, कोमल स्वभाव है, संवेदनशील है, लेकिन आपको लोग समझ नहीं पाते। क्या कारण है मित्रों दोस्तों? कारण है चंद्रमा। आप चंद्रमा से प्रभावित हैं। आपकी लगन में या तो चंद्रमा बैठा होगा या पंचम नवे भाव में या नीच के भाव में चंद्रमा बैठ के नीच राशि में अस्त का चंद्रमा आपको ये सारे अवसाद दे रहा है। आप नेतृत्व नहीं कर पा रहे, आपके विचार स्ट्रांग नहीं है, नीरस जीवन है, निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन आपकी पत्नी बहुत सुंदर होगी या किसी लड़कियों का है तो चंद्रमा अगर स्ट्रांग है तो उनको पति अच्छा और सुंदर और नरम मिलता है, ये बात एक निश्चित बात है। अब हम आपको बात करते हैं चंद्रमा का रत्न मून स्टोन बोलते हैं। मून स्टोन क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। मून स्टोन होता है मोती। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, देखिएगा इस तरह का ये मोती होता है, प्योर मोती होता है, सीप के अंदर से निकल के ये बनता है। ये और दिखाने की कोशिश करता हूं, ये देखिएगा थोड़ा सा, और इस तरह की ये एक अंगूठियां भी आती हैं जिनके अंदर ये शुद्ध मोती होते हैं। अंगूठी पीतल की होती है, वैसे अंगूठी होनी चाहिए चंद्रमा के रत्न के लिए चांदी की, लेकिन महंगी और रिजल्ट अच्छे नहीं देने के कारण या लोगों के पास पैसे की कमी के कारण अगर हम इसकी भी अंगूठी ले लेंगे, अष्टधातु की या पीतल की भी, तो चंद्रमा का जो रत्न है वो आपकी उंगली के ऊपर टच करना चाहिए। इस तरह से मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको, अपना पूरा प्रभाव देगा, ये बात निश्चित बता रहे हैं हम आपको। बहुत महंगा रत्न ले लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, ये जो शुद्ध मोती ले लेंगे इनको अभी आप मोती अंगूठी में डलवा लेंगे तो भी आपको पूर्ण प्रभाव देगा। ये मोती रत्ती के हिसाब से होता है, ये छोटा बड़ा इस तरह के रेट होते हैं, इसमें 1000, 2000, 3000 के भी आते हैं, बहुत शुद्ध होते हैं जिनमें कोई बिल्कुल भी निशान नहीं होता। वैसे इसमें भी कोई निशान नहीं है, गोल होना चाहिए और समुद्र के अंदर जो सीप होती है उनसे ये मोती बनते हैं। अब आपको बात करते हैं हम चंद्रमा के रत्न मोती को, अंग्रेजी में पर्ल बोलते हैं। इसका मुख्य राशि जो होती है किसी की भी राशि या लग्न, अगर कर्क है, कैंसीरियन बंदा है तो उसके लिए ये रामबाण उपाय है। उसके अंदर जीवन में सब तरक्की होगी और जिसके चंद्रमा अच्छे उच्च के होते हैं आईएएस अफसर बनते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं, अधिकारी होते हैं। चंद्रमा का अगर ये रत्न धारण कर लिया, कब धारण करें यह भी मैं बताऊंगा, इसकी शुद्धता का भी कुछ आपको थोड़ा बहुत आवाज देंगे और कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए और किन लोगों को पहनना चाहिए और किन लोगों को ये धारण नहीं करना चाहिए, उनके बारे में ये पूरा वीडियो दूंगा और एक अंत में एक निवेदन करूंगा जो कोई भी ज्योतिषाचार्य नहीं देगा, वो मेरी फ्री सेवा है, इसलिए एक रिक्वेस्ट है, मेरा पूरा वीडियो देखिए और अंत तक देखिए, उससे आपको मेरे जो निशुल्क सेवा है उसके बारे में पता लगेगा और जो मैं कहता हूं वो करके दिखाता हूं, मैं आपकी निशुल्क सेवा जो बोल रहा हूं करूंगा। अब हम बात करते हैं किसी के प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आ गई, सफलता बार बार रुक रही है, जीवन में तनाव है, मस्तिष्क स्ट्रांग नहीं है, स्थिर नहीं है, मन में एकाग्रता नहीं है, सामंजस्य होता है दो चीजों को मिला के एक रिजल्ट लाना, उसका काम करना, मैनेजरियल क्वालिटी होती है, शीतल मन नहीं है, शारीरिक सौंदर्य की कुछ कमी है, नेत्र के रोग हैं, हृदय रोग हैं, अगर बीपी की भी परेशानी है या चंद्रमा के शुभ प्रभावों में कमी आ गई, सकारात्मक सोच नहीं है, अशांत मन है, विकृत विचार हैं, काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, तो सब कुछ दूर करेगा आपका ये शुभ रत्न जिसको हम बोलते हैं पर्ल मोती, इसको धारण कीजिए, अशांत मन दूर हो जाएगा, सभी लाभ मिलेंगे आपको, गुस्सा बहुत आता है। चंद्र रत्न का मून स्टोन का सबसे सुंदर लाभ होता है गुस्से पर नियंत्रण करता है। बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं,
अस्त का चंद्रमा बैठा हुआ है उनकी कुंडली में। पहना दीजिए एक चंद्रमा की ये छोटी सी अनमोल रत्न, जिसको मोती बोलते हैं, पर्ल बोलते हैं, एकाग्र हो जाएगा। गले की कोई समस्या है, वाणी में कोई समस्या है, मानसिक अशांति है, व्यापार धंधा नहीं चल रहा, कैरियर नहीं बन पा रहा, मन में स्थिरता नहीं है, हर तरह से ये लाभ देगा। और एक बात बताते हैं, 6 भाव 8 भाव 12 भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो आपको चंद्रमा का ये रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे क्या होगा, इन भावों में वो अपना विकराल रूप दिखा देंगे। लगन में बैठे हैं, 5वें भाव में बैठे हैं, 9वें भाव में, लाभ भाव में, या 10वां भाव हम बोलते हैं नौकरी का, अगर उसमें बैठे हैं और अपनी राशि में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, चंद्रमा के सभी मित्र होते हैं, तो बड़ा उत्तम रहेगा। कब पहने हैं बताते हैं, शुक्ल पक्ष देख लीजिएगा, जब चढ़ता हुआ चंद्रमा हो पहले 5 दिन छोड़ दिया कीजिए। अगर शुक्ल पक्ष में पहले 5 दिन छोड़ के ही चंद्रमा का पूर्ण रूप आता है, 14, 13 बहुत उत्तम तिथियां हैं, इस पे आप धारण कर सकते हैं। सोमवार का अगर दिन हो तो बहुत अच्छा है, चांदी की धातु में सबसे छोटी उंगली होती है, इसमें आप धारण कीजिए, बहुत लाभ होगा। चंद्रमा के साथ राहु और केतु की युति आ जाती है, अच्छा नहीं मानते, चंद्रमा अस्त का हो जाता है, चंद्रमा की सभी परेशानियां बढ़ जाती हैं, रत्न धारण कीजिए, ये वाला बहुत लाभकारी होगा। चंद्रमा के कौन से रोजगार होते हैं उस पर बताता हूं। चंद्रमा अगर आपका स्ट्रांग है, मन अगर स्ट्रांग है, तो शराब की दुकान खोल लेंगे आप, पहले बता रहा हूं, क्योंकि ये द्रव्य कारक है। नर्स बन सकते हैं, समुद्री काम नेवी में जा सकते हैं, यात्रा यानी टूरिंग जॉब हो सकती है आपकी, डेयरी का काम हो सकता है, डेयरी इंडस्ट्री में, मैटरनिटी डॉक्टर होते हैं, चंद्रमा स्ट्रांग होता है वही बनते हैं, होटल रेस्टोरेंट अगर आप खोलना चाहते हैं, देख लीजिएगा अगर पत्री में चंद्रमा स्ट्रांग है बहुत चलेगा, कृषि में कैटरिंग के काम में बहुत ऊंच चलेगा। कुछ लोगों का बहुत कुछ नहीं पता होता, लगन नहीं पता, पत्रिका नहीं पता, कुछ नहीं पता, जन्म तिथि पता है, 2 तारीख को पैदा हुए हैं, 11 को 20 को 29 को, तो मूलांक आपका बन गया 2, मूलांक 2 के स्वामी होते हैं चंद्रमा, तो आपके लिए चंद्रमा बड़ा उत्तम रहेगा। कैसे धारण करें, पंचामृत बोलते हैं हम, दूध दही, ये 2 चीजें हो गई, तुलसी हो गई, गंगा जल हो गया, शहद घी हो गया, इन चीजों को मिश्रण बना के इसका घोल बना लीजिए, इसको एक द्रव्य बन जाएगा। उस जो रत्न है, जो अंगूठी है, मैं आपको फिर एक बार दिखाता हूं, इस तरह की अंगूठी बनने के बाद, अगर आप इस तरह का कोई रत्न ले रहे हैं, मोती ले रहे हैं, अंगूठी बनवाने के बाद ये काम करना है, और मन में एक या जोर से जैसे भी आपको उत्तम लगे, ओम चंग चंद्राय नमः, ये इसका एक जाप कर लीजिएगा। बहुत के मित्र हम बता देते थे आपको, सूर्य और गुरु होते हैं, माणिक्य धारण कर सकते हैं, पुखराज धारण कर सकते हैं, मित्र का राशि का रत्न अगर धारण कर रहे हैं इसके साथ तो उत्तम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शनि और शुक्र से इनकी बनती नहीं है, अतः नीलम और हीरा इसको अवॉइड करें, इसके साथ ना धारण करें, केतु से भी इनकी दुश्मनी रहती है बहुत जबरदस्त तरीके, तो लहसुनिया भी आपको इस रत्न के साथ धारण नहीं करना। दोस्तों मैंने आपको मुफ्त सेवा, जो फ्री सेवा बोली थी वो बता रहा हूं आपको, एक मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा या ऊपर लिखा हुआ आपको लगातार आ रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप उस व्हाट्सएप पे अपना एक प्रश्न भेजिए, नाम दीजिए, जन्म का समय दीजिए, दिन और रात जरूर लिखिए उसमें, और कहाँ पैदा हुए थे और किस सन में, पूरी डिटेल दे दीजिएगा। पत्रिका पूर्ण विश्लेषण ऐसे ही नहीं करते हम, उसको बाकायदा टाइम लगा के करते हैं, थोड़ा समय जरूर दीजिएगा, हर व्यक्ति का जवाब मैं जरूर देता हूं, और माता रानी की आप पर, आपके परिवार पर पूर्ण अनुकंपा रहे, इसी अभिलाषा के साथ पुनः नमो नारायण।